दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। माइग्रेन एक विशेष तरह का सिरदर्द है। आम सिरदर्द और माइग्रेन में अंतर होता है, मगर अक्सर होने वाले सिरदर्द को लोग माइग्रेन ही मान लेते हैं। माइग्रेन एक तरह की न्यूरोलॉजिक स्थिति होती है जिसमें सिरदर्द के अलावा भी कई लक्षण नजर आते हैं। इसमें रह रहकर सिर में एक तरफ बहुत ही चुभन भरा दर्द होता है। इसमें सिरदर्द के साथ साथ गैस्ट्रिक, जी मिचलाने, उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। माइग्रेन का दर्द आम सिरदर्द से ज़्यादा तेज होता है और ये सिरदर्द के मुकाबले ज़्यादा गंभीर समस्या है। आमतौर पर माइग्रेन का दर्द आधे सिर में ही महसूस होता है। इसके अलावा चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना भी माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन माइग्रेन के क्या कारण हैं इसके बारे में जान लेते हैं। माइग्रेन सिरदर्द के पीछे रक्त वाहिनियों का बड़ा होना और नर्व फाइबर्स की ओर से केमिकल का स्राव करने के कारण होता है। सिरदर्द के दौरान खोपड़ी के बिल्कुल नीचे स्थित धमनी बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से एक केमिकल का स्राव होने लगता है जो जलन, दर्द और रक्त वाहिनियों को और चौड़ा करने का काम करता है। माइग्रेन ट्राइगेमिनल नर्व में न्यूरोकेमिकल के बदलाव और मस्तिष्क के रसायनों में असंतुलन, खासकर सेरोटोनिन के कारण शुरू होता है। माइग्रेन के समय सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है जो ट्राइगेमिनल सिस्टम को न्यूरोपेप्टाइड का स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। न्यूरोपेप्टाइड मस्तिष्क के बाह आवरण यानी मेनिंजेस तक पहुंचकर सिरदर्द होने की वजह बनता है, जिसकी वजह से आप इसके शिकार हो सकते हैं। जैसे हर समय चिंता करना, ज़्यादा तनाव लेना, पर्याप्त पानी न पीना, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण, बहुत धीमी या तेज रोशनी में रहने के कारण, दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा सोने के कारण या ज़रूरत से कम सोने के कारण, कैफीन वाले तत्वों का ज़्यादा सेवन करने से। माइग्रेन के लक्षण, सिर में समान या तेज दर्द जो सिर के एक या दोनों तरफ हो सकता है, शारीरिक श्रम करने से दर्द बढ़ जाना जो आपकी दैनिक क्रियाओं में रुकावट पैदा कर सकता है, जी मिचलाना जिसमें उल्टी भी हो सकती है। माइग्रेन की वजह से आपका पाचन खराब हो सकता है। कुछ लोगों में माइग्रेन के कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। माइग्रेन के दौरान नींद अच्छे से नहीं आती और थकान महसूस होती है, लेकिन नींद नहीं आती। माइग्रेन के दौरान आँखों में भी दर्द होता है, पलके झपकाने में भी आँखों में जलन होती है। माइग्रेन के दौरान मूड में तेजी से परिवर्तन होता है। कुछ मरीज अचानक बिना किसी कारण बहुत ही उदास महसूस करते हैं या अचानक बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेन के बारे में। क्लासिकल माइग्रेन। क्लासिकल माइग्रेन के लक्षण बहुत तेज़ी से नज़र आने लगते हैं। अगर आपको क्लासिकल माइग्रेन है तो इस अवस्था में आपकी रक्त वाहिनियाँ बिल्कुल सिकुड़ने लगती हैं। नॉन क्लासिकल माइग्रेन। नॉन क्लासिकल माइग्रेन में समय समय पर बहुत तेज सिरदर्द होता है, लेकिन इसमें किसी और तरह के लक्षण नज़र नहीं आते। दोस्तों अब बात करते हैं माइग्रेन के उपचार के बारे में। कैसे माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। माइग्रेन का पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, मगर आप चिकित्सक की सलाह द्वारा और कुछ जरूरी दवाओं द्वारा इसके दर्द को कम कर सकते हैं और तत्काल राहत पा सकते हैं, क्योंकि माइग्रेन के कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी होता है जो कि एक जानलेवा और गंभीर बीमारी है। इसलिए इसका इलाज भी जरूरी है, वरना माइग्रेन का दर्द आपकी जान भी ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं माइग्रेन के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।